महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर के विवाद पर उद्धव ठाकरे सरकार ने हर कोशिश कर ली, लेकिन मनसे मुखिया राज ठाकरे अपनी मांगों से तस से मस नहीं हो रहे। आखिर में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को झुकाने के लिए 2008 का पुराना मामला निकालकर गैर जमानती वारंट जारी करवाया और साथ ही राज ठाकरे पर राजद्रोह का केस चलाने की धमकी भी दे डाली, पर राज ठाकरे ने इन सभी हथकंडों के बाद भी झुकने से मना कर दिया और अपनी मांगों व मुद्दों पर कायम है। अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार की हुई इस किरकिरी पर उनके अपने ही हमलावर हैं। शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से डरी हुई है और इसलिए 1 मई की औरंगाबाद यात्रा रैली के लिए शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता ने रैली के लिए शर्तों के उल्लंघन के लिए मनसे प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि उन्हें राज्य में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने से रोकना आवश्यक है। संजय निरुपम ने मुंबई पुलिस द्वारा मनसे प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की कमी के लिए निराशा व्यक्त की है। निरुपम ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगाबाद में रैली के लिए 16 शर्तें रखी थी, जिनमें से उन्होंने 12 का उल्लंघन किया। राज ठाकरे के खिलाफ 2 अदालतों से गैर जमानती वारंट है। मुझे समझ नहीं आता कि मुंबई पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही। राज्य सरकार राज ठाकरे से डरी हुई प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश और महाराष्ट्र में कानून का राज है और जो कोई भी कानून के खिलाफ चुनौती पेश करता है उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में एक रैली की थी और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे सरकार को लताड़ा था। उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई की समय सीमा तय की थी। उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि यदि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करती है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने अजान से तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। उसके बाद कई मनसे कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर लगाने की कोशिश करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। वहीं उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र के बीड जिले के पर्ली की एक अदालत ने कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए 2008 के एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले 3 मई को सांगली की एक अदालत ने 2008 के मामले में ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बहरहाल कांग्रेस के इस तरह खुलकर उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।